बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो शंगन वीज़ा या जो फ्रांस का वीज़ा होता है उसके बारे में है। क्योंकि देखें, ये वीडियो बनाने का भी मकसद ये है कि ओलंपिक्स आ रही हैं समर में, जो कि फ्रांस में हो रही हैं, तो ओलंपिक्स के वीज़े अभी मिलना शुरू हो जाएंगे। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ओलंपिक स्टार्ट हो रही हैं जुलाई से लेके अगस्त तक, ये तकरीबन 15-16 दिन का होगा ये सारा इनका प्लान। 26 जुलाई से स्टार्ट होंगी और 11 अगस्त को ख़त्म होंगी। तकरीबन 100 साल के बाद जो है ना फ्रांस ओलंपिक्स करवाने जा रहा है और अप्लीकेशनें उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। तकरीबन 99 ऐसे कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनको वीज़ा की ज़रूरत होगी। अब उन तमाम ममालिक के लिए इन्होंने एक स्पेशल प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया है जिसके तहत आपको शंगन वीज़ा की अप्लीकेशन लेनी पड़ेगी। उसकी जो रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट हैं तो वही हैं जो कि नॉर्मल अप्लीकेशन की होती हैं। लेकिन अगर आप आ रहे हैं ओलंपिक्स के लिए तो आपके पास गेम्स का टिकट होना ज़रूरी है। जो गेम्स का टिकट आजकल मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, जितना जल्दी हो सकता है आप उसको परचेज़ कर लें। जो नॉर्मल कॉस्ट आ रही है टिकट की आजकल 25 यूरो से लेके और 2500 यूरो तक आ रही है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जहाँ आपने कोई गेम देखनी होगी उसके करीबी होटल बुक करें ताकि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो है ना उसको ये बात समझने में आसानी हो कि आप गेम देखने ही जा रहे हैं और आपका होटल आपके स्टेडियम के करीब है। इसके अलावा जो है ना तकरीबन जो अभी फ्रांस ने जो फिगर दी है उसमें कहा है तकरीबन 16 मिलियन विजिटर फ्रांस में आएंगे इस ओलंपिक्स को देखने के लिए। अब ये जो 16 मिलियन लोग आएंगे तो इसके लिए क्या है कि प्रोसेस इन्होंने आसान किया हुआ है। इस प्रोसेस को आसान समझते हुए आप अपनी फाइल इसके अंदर सबमिट कर सकते हैं। जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा फ्रांस को इस ओलंपिक्स के और विजिटर के आने से ये बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो विजिटर हैं क्योंकि आएंगे वहाँ पे होटल पे स्टे करेंगे, उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में जो है ना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, फ्रांस को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। ये अभी टाइम है क्योंकि देखें अभी ये समर जुलाई में है ये गेम है, तो अभी आपके पास तकरीबन 5-6 महीने हैं। आप अपनी फाइल पर पूरी एफर्ट कर सकते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं और इससे पहले आपको एक काम करना है कि अभी आप 2-3 टिकट परचेज कर लें और बाकी डॉक्यूमेंट्स आप साथ साथ तैयार करते रहें। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बताऊं कि आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आपके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए ताकि आपको ये क्लियर हो कि आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, आप अपने साथ तमाम फंड्स लेकर जाएंगे। जो सैलरीड लोग हैं उनकी जो सैलरी है वो अकाउंट के अंदर आनी चाहिए। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है डेफिनेटली, और जो बिजनेस अकाउंट होल्डर हैं उनके अलहदा अकाउंट होते हैं। अगर आप सोल ट्रेडर हैं तो आपका पर्सनल अकाउंट भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस जो अकाउंट है वो डिफरेंट होता है, उसकी अपनी एक कानूनी अलहदा से हैसियत होती है। आप वहाँ से सिर्फ प्रॉफिट शो कर सकते हैं कि ये प्रॉफिट मेरा है, आप बिजनेस स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। इसके अलावा तमाम किस्म के जो FPR के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको दिखाने पड़ेंगे, बिजनेस से रिलेवेंट जो होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा होटल की बुकिंग, जैसे मैंने आपको कहा, जो फैमिलीज आएंगी पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब जो उनके होंगे लोग पार्टिसिपेट करने वाले या उनके क्लोज रिलेवेंट जो होंगे, इनके लिए फ्रांस ने एक स्पेशल स्पीड अप प्रोसेस किया है जिसके तहत इनके वीज़े डिजिटल वीज़े इन लोगों को मिलेंगे जो फैमिलीज होंगी और जो उनके कोचेज होंगे, ऑफिशियल जो गेस्ट होंगे। इसके अलावा जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए वही क्राइटेरिया है, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, वैलिड पासपोर्ट चाहिए, फ्लाइट के टिकट्स चाहिए। ये इतना आसान ना समझें इसको, क्योंकि ये आपकी जो एप्लीकेशन होगी इसको डिसाइड किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और तमाम वही चीज़ें आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी जो कि एक नॉर्मल वीज़े को फाइल करने के लिए होती है। लेकिन आसानी की इन सेंस कि एक इवेंट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, आप उसको देखने के लिए जा रहे हैं, आपके पास उसके टिकट्स मौजूद हैं, आपको उस गेम में इंटरेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रूफ करना पड़ेंगी ताकि आपका वीज़ा आसानी से लग जाए।
तो ये थी एक लेटेस्ट अपडेट शेंगेन वीज़ा के वाले से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने दिलों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।